दिस इज ए सोलर सेल वेयर दिस इज द एन टाइप सिलिकॉन मटेरियल एंड हेयर इज द पी टाइप सिलिकॉन मटेरियल दिस इज प्लस चार्ज एंड नेगेटिवली चार्ज थर्मल कॉन्टैक्ट्स एंड दीज आर थर्मल कॉन्टैक्ट्स एंड हेयर इज द एक्सटर्नल लोड एंड दिस इज नाउ इन सेमी कंडक्टर ऑफ एन टाइप सिलिकन ईच वन ऑफ द फोर वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द मटेरियल एटम इज टाइड इन ए केमिकल बॉन्ड देर इज नो फ्री इलेक्ट्रॉन एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर इफ ए पीस ऑफ सच मटेरियल डॉब्ड ऑन वन साइड बाई ए फाइव वैलेंस इलेक्ट्रॉन मटेरियल देयर विल बी एन एक्सेस इलेक्ट्रॉन इन दैट रीजन रिजल्टिंग द एन टाइप सेमी कंडक्टर सो वन इज फ्री इन एन टाइप सेमी कंडक्टर इन केस ऑफ पी टाइप सेमी कंडक्टर दिस इज द पी टाइप सेमी कंडक्टर विल बी फॉर्म ऑन अदर साइड वैन द सेम मटेरियल इज डॉप्ड बाई ए थ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन मटेरियल देयर विज ए देयर विल हैव डेफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हियर इज द डेफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड हियर वन एक्सिस इलेक्ट्रॉन एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ पीस हैविंग वन साइड पी टाइप एंड अदर एन टाइप इज कॉल्ड पी एन जंक्शन सो इफ here if the p is greater than n side connected through an external conductor and using electric contacts these are electric contacts the free electron will flow from n side to p side through conductor constituting electric current the free electron will combine with holes in p side to become bound electron in this way both free holes and electron will be removed the current flow takes place as long as free electron and hole are formed by solar radiation continuously and what is the photovoltaic effect when the sunlight or other light the sunlight is incident upon a material surface the electron present in the valence bond absorb energy and being excited into conduction band and then become free the free electron move through conductor to constitute electricity and this effect is called photovoltaic effect